इंडिया साइज एंड लोकेशन, वी लिव इन इंडिया, हम लोग इस देश के निवासी, भारत इसका नाम है, और हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इंडिया का स्थिति और इसका आकार क्या है, इसका कितना बड़ा ये देश है और इसका स्थिति ग्लोब में कहां है, ये कहां पे एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग एक ग्लोब बनाए, वी नो दैट अ ग्लोब इज अ राउंड स्फेरिकल मॉडल, इट इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, इट इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ एंड इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्लोब पे अगर हम लोगों को अपने देश को खोजना होगा तो उस पर हम लोग इसको कहां खोजेंगे, इसके लिए हम लोग इसका लोकेशन को पढ़ते हैं। और लोकेशन में हम लोग इसको कैसे, हम लोग इसके लोकेशन को पढ़ते हैं, लोकेशन इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पर हम लोग बताते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ग्लोब होता है जिसमें सबसे बीच से जो लाइन जाता है इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, ये 0 डिग्री होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। और एक लाइन इधर से जाता है, ये 23.2 डिग्री नॉर्थ होता है और इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एक और लाइन जाता है, ये 66.2 डिग्री नॉर्थ होता है और इसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके से इधर एक और लाइन जाता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और एक और लाइन इधर जाता है, इसे हम लोग एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, एंटार्कटिक सर्कल। ये सारे लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड है, इक्वेटर ये सबसे बड़ा लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड है, सर्कल भी लैटिट्यूड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी लैटिट्यूड है, और एंटार्कटिक सर्कल भी एक लाइन ऑफ लैटिट्यूड है। ये 23.2 डिग्री साउथ है और ये 66.2 डिग्री साउथ है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ है। तो हम लोग इस चैप्टर में इंडिया साइड एंड लोकेशन में ये सीखते हैं कि भारत हमारा देश इस पूरे ग्लोब पे अगर हम लोग खोजेंगे तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये कहाँ पे लाई करेगा। तो हम लोग सबसे पहले इंडिया के लैटिट्यूड ना एक्सटेंट की बात करते हैं कि किन किन लैटिट्यूड के बीच में है। जैसे यहाँ पर हमने लैटिट्यूड बनाई है और आपको पता है ये जो ईस्ट वेस्ट रनिंग लाइन है इन्हें हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और एक लाइन होते हैं आपके नॉर्थ टू साउथ रनिंग, नॉर्थ टू साउथ रनिंग, नॉर्थ टू साउथ रनिंग, इन लाइन को हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं और इन लाइन को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पूरे पार्ट में हम लोग समझेंगे कि भारत किन लैटिट्यूड्स के बीच में है और किन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। ठीक है, और इससे हमारे भारत की स्थिति पूरी क्लियर हो जाएगी और फिर हम कभी भी जब भी चाहें ग्लोब पे भारत को हम लोग खोज सकते हैं कि भारत हमारा देश इस ग्लोब पे कहां पे होगा, आखिर वो इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, किस तरफ कहां पे एग्जिस्ट करेगा इस पूरे ग्लोब पे, इस बात को हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें कि किन किन दो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के बीच में है हमारा देश। तो साउथ में है 8 डिग्री 4 नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ में है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड और नॉर्थ में आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। तो भारत इन दो लैटिट्यूड के बीच में है, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6 नॉर्थ। यहां ध्यान देने वाली बात है ये नॉर्थ। ओके, सो अब हम लोग अगर इस ग्लोब पे देखें तो भारत 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ के बीच में लाई कर रहा है। तो 8 डिग्री 4 अगर नॉर्थ हम लोग देखें तो 0 और 23 के बीच में कहीं पे होगा, 8 डिग्री 4 लाइन यही बीच में होगा 0 और 23 के बीच में, और 37 डिग्री 6 जो है वो 23 और 66 के बीच में कहीं पे होगा। मतलब तो भारत इस एरिया में लाई कर रहा है 23 ये 37 और 8 के बीच में। ठीक है, तो भारत वहां पर कहीं पर लाई कर रहा है लैटिट्यूड के आधार पर। अब अगर हम लोग लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड की चर्चा करें तो भारत का रन ऑफ कक्ष, जो भारत का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसे रन ऑफ कक्ष कहते हैं। जो कश्मीर है इधर आपका, साउथ में आपका कन्याकुमारी और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि समुद्र के अंदर जा सकता है, हिंदू मुस्लिम के अंदर जा सकता है सुनामी की वजह से। ठीक है, तो जो हम लोगों का सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे हम लोग रन ऑफ कक्ष कहते हैं वो है 67 डिग्री 6 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड और
जो सबसे ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है वह 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ओके 67 से 68 डिग्री 7 68 डिग्री 7 60 kilometers.
okay, we know that we have some neighbors, we have our neighbors that are connected to land routes, and we have also neighbors that are connected to sea routes. Okay, in the north, if we look at our neighbor in the north, we have neighbors like China. If we look at our western side, we have neighbors like Afghanistan and Pakistan. If we look at our northern side and eastern side, then we will see that we have neighbors like China, Nepal, Tibet, okay, here Bhutan, here Myanmar, Bangladesh, okay. So we have our neighbors like from western side, Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Tibet, Bhutan, okay, Myanmar, and Bangladesh. These are our neighbors that are connected with our land routes, okay. We have two neighbors in our ocean area. We have our two island country neighbors. They are Maldives here and Sri Lanka here. There it is Sri Lanka, which is divided by Park Strait. We know India and Sri Lanka is divided by narrow landmass in the sea. That narrow landmass, narrow passage is called Strait. And the name of this strait is Park Strait. Park Strait. Okay, so we know now we are aware with our neighbors. We have neighbors like Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan. Sri Lanka in the southernmost part of India. Okay.